हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट की सीरीज़ के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 13, जिसका नाम है प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 2 और होपफुली ये लास्ट पार्ट भी होगा। तो आइए, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। तो अब जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था कि एक्चुअली में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं, तो अब हम पर्टिकुलरली कुछ इन्वेसिव एलियन फ्लोरा जो हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझिए कि भाई जैसे बाहर से किसी जो है प्लांट की स्पीशी को लाया गया, इंट्रोड्यूस करा गया। मतलब मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ सो दैट कि अभी आप जो शुरू कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। लाया गया, इंट्रोड्यूस करा गया एक पर्टिकुलर जगह पे। अब वहाँ उसने क्या किया, उसने वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ थे उनका खाना पानी इतनी तेज़ी में लिया और अपने आप की पॉपुलेशन को इतनी तेज़ी में बढ़ाया कि वहाँ वाले जो हैं वो खतरे में आ गए। मोटे मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए, बाकी तो मैंने डिटेल से लास्ट वाले पार्ट के एंड में समझाया ही है। तो वैसे कौन से प्लांट्स यहाँ इंडिया के अंदर ऐसे आए जिन्होंने यहाँ के नेटिव स्पीशी पे खतरा बने, तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे नीडल बुश के बारे में। तो ये कहाँ से है, ये है भाई ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका से है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें तो ओकेशनल है थॉर्नी श्रब, ड्राई डिग्रेडेड फॉरेस्ट और ऑफन ये एक क्लोज थिकेट्स को क्रिएट करता है। फिर आई बात ब्लैक वैटल की, जो कि वही साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से है और इस ये आपको इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इसको लाया गया था ये फॉरेस्टेशन के लिए वेस्टर्न घाट्स के अंदर। रीजनरेट फटाफट खुद को कर लेता है आफ्टर फायर एंड एक डेंस थिकेट्स को फॉर्म करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉरेस्ट में, ग्रेजिंग लैंड्स में जो कि हाई एटीट्यूड एरियाज़ की होती हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे गोट वीट की, जो कि ट्रॉपिकल अमेरिका से नेटिविटी है इसकी। इंडिया के अंदर देखा जाए तो हर जगह पूरे ही देश के अंदर ये आप पाओगे। अग्रेसिव कोलोनाइजर है ना, ये ट्रबल पैदा कर देता है वीड गार्डन में पैदा हो जाए तो, कल्टीवेटेड फील्ड में फॉरेस्ट में हर जगह एक प्रॉब्लम ही हो जाता है। नेक्स्ट है ऑल्टरनैंथेरा पेरॉन निकियोडस, ये ट्रॉपिकल अमेरिका से है, ये भी पूरे देश के अंदर अपनी जो है नेटिविटीज़ की आप पाएंगे और मतलब नेटिविटी नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसका पाएंगे और ओकेशनल वीड है अलॉन्ग विद द एजेस ऑफ टैंक्स डिचेस एंड मार्शी एंड इन मार्शी लैंड्स में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात आता है प्रिकली पॉपी के बारे में, इसकी नेटिविटी आप ट्रॉपिकल सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाओगे और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर पूरे ही देश में है। रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कोलोनाइजर है, कॉमन विंटर सीजन वीड इन कल्टीवेटेड फील्ड श्रब लैंड्स और फ्रिंजेस इन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट बात आती है ब्लूमिया इरेंथा की, ठीक है, ब्लूमिया इरेंथा की नेटिविटी इसकी जो है वो ट्रॉपिकल अमेरिका से है, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर देखा जाए तो पूरे ही इंडिया में है और अग्रेसिव कोलोनाइजर ये भी है। बहुत सारी मात्रा में आपको ये रेलवे के ट्रैक पे मिलेगा, रोड साइड पे मिलेगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स में मिलेगा। नेक्स्ट है पामायरा टॉडी पाम, ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल अफ्रीका से है इसकी नेटिविटी और इंडिया के अंदर भी पूरे देश में ही पाया जाता है। अग्रेसिव कोलोनाइजर है, कल्टीवेटेड और सेल्फ सोन होता है, ओकेशनली आपको ग्रिगेरियस नियर बाय कल्टीवेटेड फील्ड में मिलेगा, श्रब लैंड्स और वेस्ट लैंड्स में मिलेगा। नेक्स्ट है कैलोट्रॉपिस या मदर भी कहते हैं इसको सोलोवॉट, इसकी भी जो नेटिविटी है वो है ट्रॉपिकल अफ्रीका से, पूरे ही इंडिया में पाया जाता है और अग्रेसिव कोलोनाइजर है, कॉमन है कल्टीवेटेड फील्ड में, श्रब लैंड्स में और वेस्ट लैंड्स में भी। नेक्स्ट है धतूरा, धतूरा मैड प्लांट या थॉर्न एप्पल भी इसको बोलते हैं, ये ट्रॉपिकल अमेरिका से नेटिविटी है और इंडिया के अंदर पूरी जगह थ्रू आउट द इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अग्रेसिव कोलोनाइजर है, ओकेशनल वीड है ऑन डिस्टर्ब ग्राउंड पे। नेक्स्ट है वाटर हयासिथ, इसकी बात करें तो ये ट्रॉपिकल अमेरिका से इसकी नेटिविटी है,
इंडिया के अंदर पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, बहुत सारी मात्रा में इन स्टिल या स्लो फ्लोटिंग वाटर्स में आप इसको पाओगे, ठीक है। न्यूसेंस है फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पेशंस या बैल्सम, ये ट्रॉपिकल अमेरिका से इसकी नेटिविटी है और पूरे ही देश के अंदर हमारे भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क्स में बताऊँ तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन है, देखने को मिलता है कॉमन अलॉन्ग विद द स्ट्रीम्स ऑफ मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ओकेशनली अलॉन्ग आपको ये रेलवे ट्रैक्ट्स पे दिखेगा। ऑल्सो ये रन है इन द वाइल्ड गार्डन्स ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है इपोमोया, ये मतलब द पिंक मॉर्निंग ग्लोरी। इसकी नेटिविटी देखें तो ट्रॉपिकल अमेरिका से इंडिया में, पूरे ही इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क की बात करूँ तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन वीड ऑफ मार्शी लैंड्स अलॉन्ग द एजेस ऑफ टैंक्स एंड डिचेस आप इसको पा जाओगे। फिर है लैंटेना कैमारा, इसे लैंटेना वाइल्ड सेज भी कहेंगे। ये ट्रॉपिकल अमेरिका से इसकी नेटिविटी है, पूरे देश के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे। और अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन वीट फॉरेस्ट प्लांटेशन हैबिटेशन वेस्ट लैंड और श्रब लैंड का है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक मिमोसा, जो कि नेटिव है ये ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका से। इंडिया के अंदर ये हिमालय वेस्टर्न घाट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, ये इन्वेट करता है वाटर कोर्सेस को, सीजनली फ्लडेड वेटलैंड्स को भी। फिर है टच मी नॉट या स्लीपिंग ग्रास भी है, जो कि ब्राज़ील से है, नेटिव जो है वो ब्राज़ील की है। इंडिया के अंदर भी हर जगह आप इसको पाओगे और अग्रेसिव कॉलोनाइजर है ये भी। कॉमन वीड है कल्टिवेटेड फील्ड का, श्रब लैंड का और डिग्रेडेड फॉरेस्ट का। फिर आई बात 4 o'clock प्लांट की, इसकी नेटिविटी आप पाओगे पेरू से, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया के अंदर हर जगह पे है। और रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, रन करता है वाइल्ड इन गार्डन्स और आसपास के हैबिटेशंस में। उसके बाद हम बात करेंगे पार्थीनियम कांग्रेस ग्रास की, या पार्थीनियम इसे कहेंगे, वहाँ नेटिविटीज़ की है जो है वह ट्रॉपिकल नॉर्थ अमेरिका से। इंडिया के अंदर पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन वीड कल्टिवेटेड फील्ड का, फॉरेस्ट का, ओवरग्रेस्ड पैचेस, वेस्ट लैंड्स और गार्डन्स में आप इसको पाओगे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोसोपिस जूलीफ्योरा, दैट इज मेस्क्विट भी कहते हैं उसकी। ये नेटिविटी है मेक्सिको से इसकी और इंडिया के अंदर पूरी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिमार्क की बात करें तो अग्रेसिव कॉलोनाइजर है, कॉमन वीड है ये वेस्ट लैंड का, श्रब लैंड का और डिग्रेडेड फॉरेस्ट का। और लास्ट में जो हम बात करेंगे वो है टाउन सेंड ग्रास, ये ट्रॉपिकल वेस्ट एशिया से इसकी नेटिविटी है और हमारे देश भारत में पूरी जगह पे, पूरे ही देश में डिस्ट्रीब्यूटेड है। काफ़ी कॉमन है अलॉन्ग स्ट्रीम्स एंड बैंक्स ऑफ रिवर्स के। तो ये कुछ इन्वेसिव एलियन फ्लोरा इंडिया का हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक करके जानते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में सबसे पहले बात आती है बेडोम साइकड की, या इसे पेरिटा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे कॉर्न डायथा भी कहते हैं, ठीक है। ईस्टर्न पेनिनसुलर इंडिया से है, काम आता है मेल कॉर्न्स जो प्लांट के हैं, इन्हें लोकल हर्बलिस्ट यूज़ करते हैं रियूमेटॉइड आर्थराइटिस को जो है इलाज के लिए, क्योर करने के लिए और मसल पेन के लिए। फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। फिर आई बात ब्लू वैंडा की, जिसको हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में आपको फोटो के तौर पे भी दिखाया था। इसे ऑटम लेडीज ट्रेसेस भी कहते हैं, ट्रेसेस ऑर्चिड भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इसका असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में है। वांडा ये वन ऑफ द फ्यू बोटानिकल ऑर्चिड है जिसमें ब्लू फ्लावर्स होते हैं। प्रॉपरली मच अप्रिशिएटेड है ये इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनरिक हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है कूथ की, कूथ या कुत्सा या इसे पूछ कर मूला या इसको जो है वो अपलेट भी कहा जाता है। ये आपको मिलेगा कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यूज़ की बात करें तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एक कॉम्पोनेंट है ट्रेडिशनल तिब्बतियन मेडिसिन का।
इसकी जो रूट्स होती हैं प्लांट की, यूज़ करा जाता है परफ्यूमरी, ड्राई रूट्स, कुछ मतलब कॉस्टस, ये स्ट्रॉन्गली इसमें सेंट होता है, और अरोमेटिक ऑयल ये निकालती हैं, जिसका यूज़ होता है इंसेक्टिसाइड को भी बनाने में। रूट्स के अंदर कुछ एल्कोलॉइड दैट इज सॉसराइन होता है, जो कि काफ़ी मेडिसिनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे लेडीज स्लीपर ऑर्चिड की। इसका यूज़ की बात करें तो इस तरीके के जो ऑर्चिड है मेनली इनका कलेक्टर्स आइटम्स के तौर पे यूज़ होता है, बट लेडीज स्लीपर कुछ जगह पे यूज़ करी जाती है, या तो सिंगली या कॉम्पोनेंट के तौर पे ऑफ फॉर्मूलाज, जो एनजाइटी को ट्रीट करने में, इंसोमनिया को ट्रीट करने में, है ना, नींद नहीं आ रही है तो। हालांकि इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं प्रेजेंट है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं। कभी कभी ये यूज़ करी जाती है ट्रॉपिकली एज अ पोल्टिस या प्लास्टर के तौर पे, ताकि मस्कुलर पेन को जो है रिलीफ प्रोवाइड करा जा सके। फिर रेड वैंड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मणिपुर, आसाम और आंध्र प्रदेश में है। मैंने अच्छा लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में आपको रेड वांडा किस कैटेगरी में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या लीस्ट कंसर्न, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको तो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका मैंने बताया, और यूज़ इसका एज अ होल ऑर्चिड इसे कलेक्ट करा जाता है, ताकि जो डिमांड है ऑर्चिड फ्रांसिस की उसे पूरी करी जा सके, खासकर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के अंदर। फिर बात आती है सर्पगंधा की, जो आपको सब हिमालयन ट्रैक, जो पंजाब से लेके ईस्टवर्ड नेपाल, सिक्किम, आसाम, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, कुछ पास सेंट्रल इंडिया का भी और अंडमान्स में भी आप इसको पाओगे। यूज़ की बात करें तो रॉ वॉल्फिया रूट्स जो है वो, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ऑलरेडी इसकी बहुत डिमांड है, यूज़ करी जाती है अलग अलग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। और फार्मालॉजिकल एक्टिविटी जो कि रॉ वॉल्फिया की है वो है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अलग अलग तरह के एल्कलॉइड्स, जिसमें जो है रेसरपाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़ करा जाता है सीडेटिव एक्शन के लिए, अगर आपको माइल्ड एंजाइटी की है या क्रॉनिक साइकोसिस है। इसके अंदर एक डिप्रेसेंट एक्शन है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करता है ना, और प्रोड्यूस करता है सिडेशन और ब्लड प्रेशर को कम करता है। रूट्स जो एक्सट्रैक्ट होती हैं उनको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ करते हैं, खासकर अगर डायरिया हुआ है या डिसेंट्री है, एंड साथ में एंथलमिंटिक भी है। इसका यूज़ करा जाता है ट्रीटमेंट के लिए कॉलरा के, इसके अलावा कॉलिक और फीवर के लिए भी। और जो इसकी जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, उसका जूस यूज़ करा जाता है, अगर मान लीजिए आपको ओपेसिटी ऑफ द कॉर्निया है तो उसके लिए। तो हर तरह से, एक तरह से सर्पगंधा का पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टोटल रूट्स एक्सट्रैक्ट, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, सेडेशन, हाइपरटेंशन, ब्रोयडिया, मायोसिस, टॉसिस, ट्यूमर्स, टिपिकल तरह का रिस्पराइन, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट। उसके बाद बात करते हैं सेरोपजिया स्पीशी की। लैंटन फ्लावर, पैरासोल फ्लावर, पैराशूट फ्लावर, बुशमैन पाइप, इसका यूज़ है प्लांट का ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे। नेक्स्ट बात करें तो इमोडी, इसे हम लोग इंडियन पोडोफाइलम भी कहते हैं, हिमालयन मे एप्पल, इंडिया मे एप्पल एक्सेट्रा। और ये जो लोअर एलिवेशन इन एंड अराउंड सराउंडिंग हिमालयाज हैं, यहाँ आप इसको पाओगे। यूज़ की बात करें तो राइजोम्स और रूट्स कॉन्स्टिट्यूट द ड्रग, और द ड्राइड राइजोम्स हैं ये सोर्स है मेडिसिनल रेजिन का। पोडोफाइलिन ये टॉक्सिक है, स्ट्रॉन्गली इरिटेंट है स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है ट्री फर्न्स की। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लोअर एलिवेशंस इन एंड अराउंड हिमालयास में पा जाओगे। यूज़ की बात करें इसके तो सॉफ्ट ट्री फर्न का यूज़ करा जाता है खाने के लिए, फूड सोर्स बढ़िया है, ठीक है। विद द पिट ऑफ प्लांट बीइंग ईटन, इसे खाते हैं, कुक करते हैं या रॉ भी खाते हैं, अच्छा सोर्स है ये स्टार्च का, ठीक है। उसके बाद बात आते हैं साइकेट्स की। ये एक जिम्नोस्पर्म ट्री है, जाना जाता है, ऑल नोन एज लिविंग फॉसिल। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है। ये अच्छा सोर्स है साथियों स्टार्च का, साथ में सोशियो कल्चर
रिचुअल्स के टाइम का यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं जो रेगुलर कंजम्पशन करते हैं स्टार्च का जो इससे निकलता है, ये इससे आपको लाइटिको बॉर्डिंग डिजीज़, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, इसमें सिम्टम्स सिमिलर उस तरह के होते हैं जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ के होते हैं ना, ALS के होते हैं, वैसे हो जाते हैं। खतरा है, ओवर हार्वेस्टिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट फायर का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है एलिफेंट्स फुट के बारे में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो साथियों पूरे ही नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आप इसको पालोगे। यूजेस की बात करें तो कमर्शियल सोर्स ये है डायोजेनिन का। डायोजेनिन क्या है? एक स्टेरॉयड है सेपोजेनिन, ये प्रोडक्ट है सेपोजेनिन का, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बाय एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस या एंजाइम्स ऑफ सेपोनिन्स, जिसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया वाइल्ड याम, एक शुगर फ्री एयर जिसे एग्लिकोन कहते हैं। तो डायोजेन इसका यूज़ करा जाता है, कमर्शियल सिंथेसिस है ये कॉर्टिसोन का, इसके अलावा प्रेग्निनोलोन का, प्रोजेस्टेरोन का और दूसरे स्टेरॉयड प्रोडक्ट्स का, नहीं हार्मोन्स वगैरह बढ़ा देंगे। तो ये कुछ कहानी है जो हमने मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपको बताई। नेक्स्ट हम ट्री कैरेक्टर्स के बारे में बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बॉक्स की डू यू नो की ज्ञानवर्धक बातें आपको बता देती हूँ। तो आपको मालूम है जो ये शार्क होती हैं, शार्क मतलब बर्थ देती हैं टू पप्स, तीन तरीकों से बर्थ देती हैं। एक तो अंडे देती हैं, एग्स ले करती हैं जस्ट लाइक बर्ड्स, फिर एग्स हैच करती है इनसाइड द मदर एंड उसके बाद खैर बॉर्न हो जाए, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा है पप्स, मतलब शार्क ग्रो करती हैं इनसाइड द मदर, तो तीसरा तरीका ये है। बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं इस प्रकृति के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्री कैरेक्टर्स का। साथियों किस तरीके के कितने टाइप्स के ट्री हैं पहले इनको हम समझते हैं। देखिए मेनली ना दो तरीके के ट्रीज होते हैं, डेसीडियस, ठीक है, और दूसरे होते हैं एवरग्रीन, ठीक है, दो तरह के ट्रीज हैं। तो जो डेसीडियस ट्रीज होते हैं ना, ये अपनी सारी लीव्स को लूज कर देते हैं एक पार्ट ऑफ द ईयर में, जो आप अब मैं ये नहीं कह सकती, हम तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं कहती कि हाँ हमारे यहाँ कोल्ड क्लाइमेट में ये होता है ड्यूरिंग द ऑटम, ताकि क्या होता है कि जो ट्रीज हैं वो जो है वो विंटर पूरी झेल ले जाएं। और हॉट और ड्राई क्लाइमेट में डेसीडियस ट्रीज यूजुअली अपनी जो लीव्स है वो लूज करते हैं ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ये हो गया डेसीडियस ट्रीज। अच्छा एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं वो अपनी लीव्स जो है वो उनकी झड़ती नहीं है, लूज नहीं करते, ठीक है, एट एनी टाइम, मतलब हमेशा इनमें आप फॉइलेज पाओगे ही पाओगे, पत्तियाँ होती बढ़िया। ओल्ड लीव्स ये लूज नहीं करते हैं, अ लिटिल एट अ टाइम, ना थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो नहीं है, थोड़ी 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 एक बार में थोड़ी थोड़ी जो है पुरानी पत्तियाँ गिरती जाती हैं, नई नई आती जाती हैं, रिप्लेस करती रहती हैं पुरानी को, ठीक है। तो एवरग्रीन ट्री पूरी तरीके से कभी भी पत्तियों से लीव से एकदम झड़ता नहीं है जैसे आप डेसीडियस में पाओगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्री तो मैंने आपको बता रही, दो तरह के होते हैं। अच्छा एक डू यू नो की बात बताऊं, इस पूरे विश्व का वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ट्री जो है वो 4600 ईयर पुराना है, ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन्स का है मालूम, USA के अंदर। चलो खैर अब दूसरी बात आती है पार्ट ऑफ ट्री के बारे में। अब ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं इसको आपको बताती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझिएगा। सबसे पहले तो होती है रूट्स, ठीक है, चलो शुरू से नीचे से शुरू कर रहे हैं हम। रूट्स की बात करें तो रूट्स जो पार्ट है ट्री का जो अंडरग्राउंड ग्रो हो रहा है वो है रूट्स। ट्री को पहली चीज तो मजबूत रखती है, मेन जॉब क्या है इसका, तो फर्म को भाई मजबूत बना के रखना, और दूसरा पानी वगैरह को, न्यूट्रिएंट वगैरह को सॉइल से लेके स्टोर करना, ठीक है, और अपने पास स्टोर करना, आगे तक पहुंचाना उस वक्त के लिए जब वो मान लो पानी और न्यूट्रिएंट नहीं अवेलेबल है तो फिर रूट्स अपने पास से देंगी ना। तो पहला हो गया रूट्स, फिर आता है क्राउन, ठीक है। क्राउन क्या है? क्राउन बना होता है लीव से, ब्रांचेस से, जो कि टॉप ऑफ द ट्री पे होती हैं। क्राउन रूट्स को शेड देता है, एनर्जी को कलेक्ट करता है सन से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, अलाउ करता है ट्री को कि वो एक्स्ट्रा वाटर को अपने से हटाए ताकि ठंडा रहे, जिसे हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे स्वेटिंग होती है ना जानवरों में, सेम तरह से ट्री में ट्रांसपिरेशन होता है।
फिर बात करते हैं तीसरी चीज़, लीव्स। तो ये ऐसा ट्री का पार्ट है जो एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करता है, दैट इज शुगर में। और लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज होती हैं ट्रीज की। इनके अंदर बहुत स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल ही लीव्स को उनका हरे रंग का ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है जिसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। लीव्स सन की एनर्जी को यूज़ करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने में, जो कि एटमॉस्फेयर से लेके, और पानी को कन्वर्ट करती हैं जो कि वो सॉयल से लेती हैं, और इससे वो कन्वर्ट करती हैं इसको शुगर और ऑक्सीजन में, जिसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। शुगर तो ट्री का फूड हो गया, या तो इसको ब्रांच में स्टोर कर लिया या ट्रंक में या रूट्स में, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डाल दिया, जो कि हम लोग के काम आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना ब्रांचेस। तो ब्रांचेस तो सपोर्ट देती है ना, ताकि लीव्स और डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अभी एक ही होता तो कैसे इतनी होती है, ब्रांचेस निकल रही है तो उसमें और लीव्स हो रही हैं। टाइप ऑफ ट्री पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है किस तरीके से कि एफिशिएंटली ये पेड़ जिंदा रहे। उसके अलावा ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के तौर पे भी, इसके भी कंड्यूट्स का काम करती हैं, स्टोर करती हैं एक्स्ट्रा शुगर जो पैदा कर लेता है। तो ये हो गई ब्रांचेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, तो वो है ट्रंक, ठीक है ना। ट्रंक, ट्रंक का क्या सीन है, ट्रंक जो ट्री का है वो शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, होल्ड करता है क्राउन को। ट्रंक ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, न्यूट्रिएंट को, सॉइल से, शुगर से, फ्रॉम द लीव्स। तो ये कुछ बात हो गई जो हमने बात करी चीज़ें। अब इसमें भी ट्रंक के भी कुछ पार्ट्स हैं, आइए ट्रंक के पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले पार्ट ऑफ ट्रंक में हम बात करेंगे, आता है एनुअल रिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लाइफ ऑफ ट्रीज वगैरह को बताने के लिए। तो एनुअल रिंग्स होता क्या है कि जो ये ट्रंक होती है, ट्रंक के अंदर यहाँ पे बहुत सारी जो है वो रिंग ग्रो करती रहती हैं, है ना। हर साल क्या होता है, जब ट्री की लाइफ एक एक साल बढ़ती है तो एक नई रिंग बन जाती है जिसे हम लोग एनुअल रिंग कहते हैं। तो हर साल एक नई रिंग बनती है, और इसी से ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब ट्री की एज कितनी है, उसे कैलकुलेट करने में मदद होती है, और पैलियो क्लाइमेटोलॉजी। तो ट्री की एज को आप नंबर ऑफ जो भी रिंग बनी है उसमें, उससे आप पता लगा सकते हो। और साइज जो ग्रोथ रिंग का है, इसे डिटरमाइन करा जाता है इन पार्ट बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि कितनी बड़ी रिंग बनेगी, ये तो टेम्परेचर और वाटर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आता है इसका जो पार्ट ऑफ ट्रंक है, वही यहीं पे हम समझ लेते हैं ना। यहाँ पे एक तो हो गया एनुअल रिंग, एनुअल रिंग। दूसरी बात जो है वो है अपना बार्क, ठीक। अब बार्क क्या है, जो ट्रंक का इस तने का जो बाहर का हिस्सा खपड़ा जैसा है ना, वो है जो आउटसाइड लेयर है ट्रंक की, ब्रांचेस की या ट्विग्स ऑफ ट्रीज की, उसे हम बार कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है ट्री की, और ट्रीज यूजुअली इनके अंदर इनर बार्क और आउटर बार्क होती है। और इनर लेयर जो बार्क की है वो लिविंग सेल्स की होती है, वही जगह आउटर तो आप छू के देखते हैं डेड सेल्स होती है। सॉल्ट ऑफ जैसे हमारे फिंगर के नेल्स हैं ना, तो अंदर वाला हिस्सा देख लीजिए अपने नेल्स का, तो वो जिंदा है सेल्स में, और बाहर जो निकलता जा रहा है वो कैसा है, वो वही डेड सेल्स हैं। साइंटिफिक नेम जो है ना, जो साइंटिफिक नाम दिया जाता है इनर बार का, उसे कहते हैं, आपको अब समझ में आ जाएगा, फोइलम, है ना। फोइलम का आपने ज़रूर नाम सुना होगा, PHLOEM, फोइलम। और जो मेन जॉब इस इनर लेयर की है वो सैप फुल ऑफ शुगर को कैरी करना, लीव्स से बाकी सारे ट्री तक पहुँचाना। बहुत सारे नंबर ऑफ हैंडी चीज़ें बनी रहती हैं बार्क से, जैसे लेटेक्स, सिनेमम, कुछ तरीके के पॉइजन्स भी बनते हैं ना, दालचीनी वगैरह देखिए खाइए, वो भी बनती है। तो ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, चौंकने वाली, कि जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, सेंट्स और टॉक्सिन्स जो आपको बार्क में मिलते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रीज में आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें एक इसी ट्रंक का जो है एक हिस्सा है जिसे कहते हैं कैम्बियम, ठीक है। ये पतली सी लेयर लिविंग सेल्स की है बार्क के जस्ट अंदर, ठीक है, इनसाइड द, जस्ट इनसाइड द बार्क, इसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। और ये पार्ट है ट्री का जिसकी वजह से नए सेल्स जो है वो ट्री को अलाउ करते हैं कि वो और चौड़ा होता है, बढ़ता जाता है हर साल, ठीक है। तो ये हो गया कैम्बियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है सैप वुड। सैप वुड क्या होता भैया, ये अब आप समझेंगे, जाइलम, ठीक। साइंटिफिक नेम सैप वुड का जाइलम है।
ये लिविंग सेल से बनता है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेके बाकी सारे ब्रांचेस तक, ट्विग्स तक और लीव्स तक पहुंचाता है। ये यंगेस्ट वुड है ट्री की ओवर द ईयर्स, और इनर लेयर सैप वुड की वो ख़त्म होती जाती हैं और हार्ट वुड बन जाती हैं। अब सैप वुड के बाद क्या आ गया? अब जैसे मैंने बताया हार्ट वुड, ठीक है, एच दिल वाली वुड है हार्ट वुड, ठीक। हार्ड वुड ये डेड सैप वुड है सेंटर ऑफ द ट्रंक में। हार्डेस्ट वुड है ट्री की जो सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है। यूजुअली डार्क कलर की होती है सैप वुड के कंपैरिजन में। और लास्ट में बात करते हैं पिच की। पिच की बात करें तो पिच जो है वो छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स या स्पॉन्जी लिविंग सेल्स हैं सेंटर में जो ट्री के ट्रंक के आप पाओगे। काफ़ी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को कैरी अप करा जाता है इन पिच के माध्यम से। इसका प्लेसमेंट आपको जस्ट सेंटर में मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करा गया है कि मतलब इसको इंसेक्ट ना डैमेज कर दें, विंड या एनिमल ना डैमेज करें। तो कुदरत ने बहुत खूबसूरती से चीज़ों को बना रखा है। अच्छा, नेक्स्ट इसी में जो हम बात करेंगे, इतना आप समझ गए। अब हम रूट के टाइप्स की बात कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है। अब हम रूट के टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी कई तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहले रूट जो है वो एक रूट होती है टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, गौर से समझिएगा। ये प्राइमरीली डिसेंडिंग रूट है जिसे डायरेक्ट प्रोलोंगेशन ऑफ अ रेडियल ऑफ द एम्ब्रियो से नीचे की तरफ जा रही है, ऐसी ये टैप रूट होती है, ठीक है। ये इससे जो है वो बनती है। फिर एक तरह की रूट होती है जिसे हम लोग कहते हैं साथियों लेटरल रूट। देखिए अलग अलग तरह की रूट पेड़ों में पाई जाती हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में, ताकि पेड़ खुद को रख सके, ये कुदरत है। तो लेटरल रूट की बात करें तो ये निकलती हैं फ्रॉम द टैप रूट और उसके बाद ये फैलती हैं, स्प्रेड करती हैं लेटरली, ताकि सपोर्ट मिल सके ट्री को बढ़िया तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, वो होती हैं एडवेंटियस रूट, ठीक है। ये रूट्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडियल या इसके सब डिवीजन से। और जो इस तरीके की एडवेंटियस रूट्स जो हैं वो कॉमनली आपको ट्रीज में मिलेंगी। फिर बात आती है नेक्स्ट, वो होती है BUTTRESSES, बुट्रेस, ठीक है। ये आउट ग्रोथ फॉर्म्ड यूजुअली वर्टिकल होती हैं अबव द लेटरल रूट्स एंड इसलिए ये कनेक्ट करती हैं बेस को स्टेम के रूट्स के साथ में, और ये बनती हैं इन द बेसल पोर्शन ऑफ द स्टेम, जैसे कि सिल्क कॉटन ट्री के अंदर इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा प्रॉप रूट्स का। तो प्रॉप रूट्स, एडवेंटियस रूट्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं ब्रांचेस ऑफ द ट्री से, जो जो है पेड़ में ही रहती हैं, है ना, पेड़ से निकलती हैं ना नीचे। और ये अभी आपने देखा होगा बैनियन ट्री जो होता है उसमें देखा है ऊपर से नीचे की तरफ लटक रही होती हैं रूट्स, ये होती है। और जैसे ये ग्राउंड्स में आ जाती हैं तो सॉयल में एंटर कर जाती हैं पट से, है ना, फिक्स हो जाती है, बड़ी बड़ी नीचे रूट्स गिर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद नाम एक आता है स्टिल्ट रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, जो इमर्ज होती हैं फ्रॉम द बट ऑफ अ ट्री अबव द ग्राउंड, सो दैट ट्री जो है वो अपीयर करता है, जैसे कि मान लो इसको कोई फ्लाइंग बुटरेस सपोर्ट कर रही है, जैसे राइजोफोरा स्पीशी मैंग्रोव का। फिर एक होती है जिसे कहते हैं न्यू मैटोफोर, ठीक है। ये एक स्पाइक जैसी प्रोजेक्शन है रूट्स का ऑफ स्वैम्प मैंग्रोव ट्री अबव द ग्राउंड, ये मदद करती है सबवज रूट्स को ऑक्सीजन पाने में, जैसे कि हेरेथ्रिया या ब्रुगरा सैप होती हैं। फिर एक नेक्स्ट आती है जिसे कहते हैं हॉस्टोरियल रूट। हॉस्टोरियल रूट्स जो हैं वो ऐसी रूट्स हैं जो कि पैरासिटिक प्लांट्स में हैं, जो एब्जॉर्व करती हैं पानी को, न्यूट्रिएंट्स को दूसरे प्लांट से, एग्जांपल के तौर पे मिस्टिलो या डॉडर, ठीक है। और स्टोरेज रूट्स, ये मॉडिफाइड रूट्स हैं स्टोर करने के लिए फूड को, वाटर को, जैसे कि कैरेट्स या बीट्स। और ये कुछ तरह के टैप रूट्स और ट्यूबरेट्स रूट्स को भी इंक्लूड इसमें किया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पे साथियों माइकोर राइजा के बारे में। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉडिफाइड रूटलेट विथ फंगल टिश्यूज। तो ये तो है, हमने आपको कुछ रूट्स टाइप बताए। अब हम आपको थोड़ा सा कैनोपी की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए
रिलेटिव कम्प्लीटनेस कैनोपी का, ये ऐसे फॉर्म हो रहा है ना पेड़ से, तो कुछ तरीके, ये तो क्लोज्ड हो गया जिसकी डेंसिटी करीब 1 होती है, फिर एक डेंस होता है जिसकी डेंसिटी करीब 0.75 से लेके 1 होती है, एक होता है थिन कैनोपी जिसकी डेंसिटी करीब 0.50 से 0.75 तक होती है, और फिर एक होता है ओपन जिसकी डेंसिटी जो है वो 0.50 से जो है वो कम होती है. तो कुछ और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं. जैसे कि कुछ टर्म समझ लीजिए आप, फिनोलॉजी. फिनोलॉजी साइंस जो डील करे विद टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियोडिक इवेंट, जैसे कि लीफ शेडिंग है ना, कितनी देर में होता है वगैरह वगैरह, तो उसे कहते हैं फिनोलॉजी, वो टर्म है. उसके बाद एक है टर्म इटियोलेशन, ठीक है. तो विद द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लाइट, सही से मान लो लाइट नहीं मिल रही है, तो लाइट की कमी में प्लांट जो है ना वो पेल येलो कलर की हो जाते हैं, आपने देखा होगा है ना, एंड हैव लॉन्ग थिन इंटरनोड्स, तो ये होता है इटियोलेशन. उसके बाद एक टर्म है यहाँ पे जिसे कहते हैं हम ऑटम टिंट्स. तो कुछ पेड़ों में, मतलब लीव ट्रीज में, लीव्स जो हैं वो उनमें कुछ बदलाव आता है कलर के अंदर गिरने से पहले पेड़ से, जैसे कि मैंगो, कैसिया फिस्टूला, क्विरकस इन कैना, तो ये सब जो है उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑटम टिंट्स. उसके बाद आती है एक टर्म है टेपर. टेपर इसमें क्या है कि डायमीटर में स्टेम की कमी हो जाती है ट्री की फ्रॉम द बेस अपवर्ड्स, दैट इज़ जो स्टेम है वो और थिक हो जाती है एट द बेस, बेस में काफ़ी मोटी हो जाएगी और थिन हो जाएगी जैसे जैसे ट्री के अपर पोर्शन में मामला जाएगा, ठीक है. फिर टेपरिंग कब होती है, टेपरिंग होती है जब मान लीजिए कि विंड्स का प्रेशर है जो कि सेंटर्ड है इन द लोअर 1/3 ऑफ द क्राउन, एंड ये कन्वे करती है टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम, बढ़ता जाती है विद इंक्रीजिंग लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे भी बढ़ती टेपरिंग भी. अच्छा, काउंटर एक्ट करने के लिए इस प्रेशर को, विच में स्नैप द ट्री एट द बेस, जो ट्री इन्फोर्स करता है खुद को टूवर्ड द बेस, और ये जनरली एसोसिएटेड है विद द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टैप रूट सिस्टम, जहाँ पे लॉन्ग टैप रूट सिस्टम जिन पेड़ों में नहीं होता ड्यू टू इधर शैलो सॉइल है या बैडली एरेटेड या इनफर्टाइल सब सॉइल है, तब ये आप फिनोमिना पाओगे. अच्छा, एक चीज है बैम्बू ग्रीगेरियस फ्लारिंग. तो जनरली फ्लारिंग जो है कंसिडरेबल एरिया में सारे ही या मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स के, सर्टन स्पीशीज़ के जो फ्लावर नहीं देते हैं हर साल, जनरली उसके बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है प्लांट की. और सैल ट्री अलग अलग वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में ग्रो करता है, बट कम्प्लीटली एबसेंट है ये डेकन ट्रैप में, जहाँ इसकी जगह पर टीक जगह ले ली है टीक के पेड़ ने. उसके बाद सैंडल ट्री जो है ये एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, जो सीडलिंग्स हैं इस स्पीशी की वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करती हैं शुरुआत में, बट कुछ महीनों के बाद ये इसका कनेक्शन बन जाता है रूट से कुछ श्रब, और बाद में देखा जाए तो कुछ ट्री की स्पीशी जो है ग्रो करने लगती हैं साथ में. सैंडल ट्री अपना खुद का खाना खुद पकाता है, बट डिपेंड करता है होस्ट पे, लाइक दूसरे पार्शियल पैरासाइट पे, पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए, कि तुम सामान हमको दे दो, खाना हम खुद पका लेंगे. और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करें तो बात आती है एरियल सीडलिंग्स. एरियल सीडलिंग्स ये ऐसा प्रोसेस है जिससे सीड एरियली जो है वो अपने आप को फैलाते हैं. इंडिया के अंदर एरियल सीडलिंग्स करी जाती है, मतलब ये करी गई थी एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चंबल रिवरेंस में, यूपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र के. रिसर्च जो करा गया था 1982 में, उसने ये दिखाया कि सर्वाइवल परसेंटेज ऐसे एरियल सीडलिंग्स का 97.3% है और 2.7 है फॉर प्रोपोसिस जुलिफेरा और अकेशिया निलोटिका के लिए. सर्वे ने दिखाया कि 25% एरिया जो है उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा फॉर एरियल सीडलिंग एट ऑल. तो ये पूरी बात मैंने आपको बताई और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट चैप्टर को हम बाद में करेंगे, मरीन ऑर्गेनिज्म नाम है उसका. कैसा लगा फिलहाल अभी तक का आपको मेरा लेक्चर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो यू कैन जॉइन माई मेम्बरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क.
ताकि मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़े। बाकी व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया लिंक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप ये वीडियोस मेरी जो है वो फेसबुक पे भी पा सकते हैं। डू फॉलो मी एवरीवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।